जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कर चुके हैं। उसके आगे आज करेंगे और यहाँ पे तहलका मचाएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो आ जाओ बेटा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लगाना शुरू करते हैं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट जो बार बार करते आए हैं वही है कि जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो को तो लाइक करना भूलिएगा ही मत। ठीक है, आ जाओ तहलका मचाने, क्या करना है, गर्दा उड़ाने। क्या कह रहा है बेटा आठवां क्वेश्चन, हम लोग देखना है। 1 से 7 तक हम कर चुके हैं, नहीं देखो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है बेटा, दर्शाए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बेटा हमें क्या सिद्ध करना है, देखो मान लिया है एक वर्ग है, समझ जाना, और नहीं लगेगा वर्ग तो भी मान लेना क्या यह एक वर्ग है। ठीक है बेटा, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। क्या है, यह एक वर्ग है। कहा है इसके विकर्ण बराबर होते हैं, यह सिद्ध करना है। इसके विकर्ण ए सी हो गया और कौन सा विकर्ण हो गया, बी डी हो गया। ठीक है बेटा, यही है। हमें क्या सिद्ध करना है, विकर्ण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ बाबू यहां से देखना, दिया क्या है समझ लेना, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया ध्यान देना। वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होते हैं बेटा, समकोण होते हैं। तो सभी कोण ए बी सी डी जो भी होंगे क्या होंगे, डब्बेंश के होंगे ही होंगे। तो क्या होगा बेटा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर सबके सब 90 अंश। और वर्ग, वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, ए बी बराबर होगा बेटा बी सी के बराबर सी डी के बराबर डी ए के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना हो भी लिख लो। ठीक है, सिद्ध क्या करना है बाबू, पहला कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब ए सी बराबर होगा बेटा बी डी के, यह सिद्ध करना है। ए सी बराबर क्या, बी डी। दूसरा क्या सिद्ध करना बेटा, यहाँ पे जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं मान लिया बिंदु ओ, ठीक है, तो क्या सिद्ध करना, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, यह भी सिद्ध करना। ठीक है, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। और क्या सिद्ध करना बेटा इसमें, कि ये परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब चाहे जो कोण लेना बेटा, यह कोण या यह कोण या यह कोण या यह कोण, हर एक कोण कितना होना चाहिए बेटा 90 अंश। तो हमें एक कोण कोई भी ले लेंगे, कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री, यह सिद्ध करना। ठीक है बेटा, तो आ जाओ उपपत्ति देखते हैं कैसे क्या होगा। क्या करेंगे बेटा, हम पहले त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी, ठीक है, और क्या ले लेंगे बेटा डी ए सी में। तो त्रिभुज लिखना, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज डी ए सी में, देखना बेटा ए बी डी और डी ए सी में। ठीक है, इतना समझ में आया बाबू। तो एक चीज देखोगे, ए बी डी में यह भुजा आ रहा ए डी आ रहा है बाबू, तो ए डी जो होगा क्या होगा, ए डी जो होगा बराबर होगा बेटा ए डी के। क्यों, क्योंकि डी ए सी वाले में भी, डी ए सी में भी यह आ रहा है, तो क्या होगा बेटा यह उभयनिष्ठ होगा। ठीक है मेरे लाल, क्या हो जाएगा, यह उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब देखना बेटा ए बी डी में कोण ए पूरा का पूरा आ रहा है और डी ए सी में कोण डी पूरा का पूरा आ रहा है, तो कोण ए क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा कोण डी के। ठीक है, तो क्यों, कोण ए बराबर होगा कोण डी के। क्यों बेटा, कोण ए और कोण डी दोनों सबके सब क्या है बेटा 90 अंश है, हो जाएगा। अब देखना ए बी डी में बेटा, ए बी डी में यह भुजा और डी ए सी में यह भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ए बी जो होगा बेटा सी डी के बराबर होगा, ए बी बराबर सी डी, क्यों, ये वर्ग के भुजा है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इतना जब आप लोग कर लिए बाबू, तो क्या होगा, देखो ये साइड है बेटा, तो साइड यह एंगल, यह साइड, साइड एंगल साइड से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा मेरे लाल त्रिभुज डी ए सी के, कैसे, साइड एंगल साइड से। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत
नहीं होगा। अब यहां से अगर हम करें तो जो BD होगा बेटा AC के बराबर होगा, BD जो होगा बेटा AC के बराबर। देखो दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा आ गया बेटा, यही हमको सिद्ध करना था, BD बराबर AC, यह सिद्ध हो गया। ठीक है, इतना आप लोग कर लिए, इतना आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आ जाओ आगे बेटा, आगे क्या कहा है, AO बराबर OC और BO बराबर क्या बेटा OD, यह भी हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है बेटा, वर्ग एक क्या होता है बेटा, समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। अतः क्या होगा बेटा, समांतर चतुर्भुज के बीकर परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः AO जो होगा बेटा OC के बराबर होगा और BO जो होगा बेटा वह OD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू त्रिभुज क्या ले लेंगे, AOB और COB ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज AOB और COB में, ठीक है बाबू, पुनः देखना, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COB में, AOB और COB में, तो क्या होगा बाबू, इसमें देख रहे हैं AOB, तो इसमें बेटा क्या है, AO जो है यह बराबर है किसके, किसके बराबर होगा बेटा, AO जो होगा यह बराबर होगा OC के, हो जाएगा बेटा, AO जो होगा वह क्या होगा, बराबर हो जाएगा OC के। ठीक है, कर लोगे बेटा, तो AO बराबर OC हम लोग सिद्ध कर चुके हैं बेटा। और दूसरा क्या देख रहे हैं बाबू, AB जो होगा यह CB के बराबर होगा, AB बराबर CB हो जाएगा बेटा। और क्यों बेटा, यह सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है बेटा, और यह क्या बेटा, वर्ग के भुजा है, वर्ग के भुजा क्या होते हैं, आपस में सभी बराबर होते हैं। और OB क्या होगा बेटा, दोनों में OB आएगा, OB बराबर OB, क्यों, उभय निष्ठ है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा देखना, यहां पे साइड, यहां पे साइड मेरे लाल, यहां पे साइड मेरे जिगर के छल्लो, क्या होगा, तीनों साइड साइड से त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा मेरे लाल त्रिभुज COB के, कैसे, साइड 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 से हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अतः बेटा क्या होगा, कोण AOB बराबर होगा कोण COB के, CP CT कॉरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। ठीक है मेरे लाल, तो यह इसके बराबर हो गया। अब देखना AOB और COB दोनों बेटा बराबर हैं और दोनों एक रेखा पर है, देखना संरेख हैं, तो दोनों का योग क्या होगा, 180 होगा। चूंकि लिखना बेटा कोण AOB प्लस कोण COB बराबर 180, क्यों, संरेख हैं। ठीक है बेटा, संरेख हैं, तो क्या देख रहे हैं बाबू, AOB और COB आपस में बराबर हैं, और देखना तो AOB की जगह COB या COB की जगह AOB लिख सकते हैं। तो यहां पे बेटा हम लिख दे रहे हैं COB और प्लस यहां पे भी है COB बराबर 180, तो करोगे बेटा दो कोण COB बराबर 180 डिग्री हो जाएगा मेरे लाल। आ जाओ आगे, तो बेटा कोण COB बराबर 180 बटे दो काटोगे 90 आएगा। ठीक है बेटा, कोण COB बराबर 90 डिग्री, या इसी को लिख सकते कोण BOC बराबर 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना था। देखना बेटा, आ गया समझ में, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है मेरे जिगर के छल्लो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इसको नोट करो, फिर लगाते हैं नवा क्वेश्चन, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं मेरे लाल, मिटाएं इसको, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे, क्योंकि तुम तो ठहरे परदेशी हो, साथ क्या निभाओगे सुबह वाली गाड़ी से, तुम तो चले जाओगे, तुम तो चले जाओगे, तुम तो दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के बिकट बराबर हो तो हो और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है बेटा,
एक चतुर्भुज दिया है, मान लिया है क्या है बेटा चतुर्भुज। क्या बोला है चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यही बोला है बेटा। तो मान लिया चतुर्भुज कौन सा है, ए बी सी डी, इसके विकर्ण कौन कौन से हैं, ए सी और डी बी। ये बेटा ओ पर प्रक्षेप कर रहा हो, तो कहा है दिया क्या है मेरे लाल, कहा विकर्ण बराबर हो दिया है, क्या दिया है ए सी बराबर बी डी, ठीक है। और क्या दिया बेटा, परस्पर समद्विभाजित करते हो, ठीक है, और प्रत्येक कोण समकोण हो, मतलब यह कोण यह कोण यह कोण यह कोण समकोण पर मिल रहा है, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, समद्विभाजित कर रहा होगा तो ए ओ बराबर होगा ओ सी मेरे लाल, और बी ओ होगा ओ डी के बराबर मेरे जिगर के छल्लो। समकोण क्या होगा बेटा, समकोण होगा कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए, डी ओ ए बराबर सब क्या होंगे मेरे लाल 90 डिग्री। क्यों देखना, ए ओ बी यह कोण 90 होगा, बी ओ सी यह कोण 90 होगा, सी ओ डी यह कोण 90 होगा, डी ओ ए यह भी 90 होगा। यह तो हमको दिया है, ठीक है बेटा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बेटा कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो आ जाओ यहां से हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो लेते हैं बेटा त्रिभुज ए ओ बी और बी ओ सी में वर्ग है, मतलब बेटा क्या होना चाहिए, चारों भुजा बराबर आना चाहिए, एक कोण समकोण सिद्ध कर दो तो चारों कोण समकोण हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे, ले लो बेटा त्रिभुज, कौन कौन सा लोगे जो मन करे तुम्हारा वही ले लो, त्रिभुज ए ओ बी और बी ओ सी में, ठीक है बेटा। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में, तो क्या देखोगे बेटा, ए ओ बी और बी ओ सी में यह देखो ए ओ जो है ओ सी के बराबर है, ठीक है बेटा। तो और विकर्ण बराबर दिया है बेटा, समद्विभाजित कर रहा है तो यह उसके बराबर हो जाएगा, वह उसके बराबर हो जाएगा, और बोला है समकोण पर यह भी दिया, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, ए ओ जो होगा बेटा ए ओ बराबर होगा ओ सी के, देखना यह भुजा इस भुजा के बराबर है, और कोण ए ओ बी ले लो बेटा, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ सी के, ठीक है बेटा, क्यों दोनों 90 अंश है, ठीक है बाबू। और यह क्या किया है, यह दिया है, ठीक है। अब दोनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा, ओ बी जो होगा बेटा ओ बी के बराबर होगा, ठीक है, ओ बी बराबर ओ बी, क्यों बेटा उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो देखो बेटा साइड, यह एंगल यह साइड, तो क्या होगा त्रिभुज ए ओ बी बेटा सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ सी के, कैसे साइड एंगल साइड से। अब यहां से बेटा क्या देखा जाए, अगर हम देखें तो ए बी देखो यह इसके ए बी जो होगा बेटा बराबर होगा बी सी के, मान लिया समीकरण नंबर एक, कैसे बेटा सी पी सी टी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, ठीक है इतना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो इसके बाद पुनः बेटा हम ले लेते हैं त्रिभुज बी ओ सी और सी ओ डी में, ठीक है, पुनः त्रिभुज बी ओ सी व त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है बेटा, जैसे हम यह किए थे उसी प्रकार करेंगे, ठीक है लिखना बेटा इसी प्रकार, क्योंकि वैसे करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। त्रिभुज बी ओ सी समांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है बेटा। तो यहां से बी सी जो होगा बी सी बराबर होगा सी डी के, समीकरण नंबर दो, यह भी बेटा सी पी सी टी से। आ जाओ आगे, आ रहा पूरा कि छूट रहा कुछ मेरे लाल, आ रहा। फिर बाबू इसी प्रकार हम लेंगे पुनः है त्रिभुज कौन सा सी ओ डी और डी ओ ए होगा बेटा, ठीक है, सी ओ डी व त्रिभुज डी ओ ए में, तो क्या करोगे बेटा, आ जाओ देख लो क्या होगा, इसी प्रकार लिख देना, इसी
प्रकार क्या होगा मेरे लाल? त्रिभुज सीओडी सर्वांगसम होगा बेटा, त्रिभुज डीओए के, ठीक है। क्या देखेंगे बेटा? सीडी जो बराबर होगा डीए के, इसको मानना समीकरण नंबर 3, एबी सीबी सीटी सीपी सीटी से, ठीक है बेटा। पुनः त्रिभुज लेना बेटा डीओए और एओबी में, ठीक है बेटा। डी ओ त्रिभुज डीओए व त्रिभुज एओ बी में बेटा, इसी प्रकार क्या होगा देखना, इसी प्रकार त्रिभुज डी ओ ए सर्वांगसम होगा त्रिभुज एओ बी के, ठीक है बेटा। कर दोगे साइड एंगल साइड सही सब होगा, ठीक है बेटा। यहां से देखोगे डी ए जो होगा यह ए बी के बराबर होगा, समीकरण नंबर 4, यह भी हो जाएगा सीपी सीटी से। कर लोगे बाबू तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या होगा, सबके सब भुजा आपस में बराबर होंगे, ठीक है बेटा। ए बी बराबर होगा बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यही हमको क्या करना था मेरे लाल, सिद्ध करना था। जब चारों भुजा क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया, तो क्या होगा, यह एक वर्ग होगा, ठीक है। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू चारों भुजा बराबर तो सम चतुर्भुज में भी होता है, तो इसमें से क्या किया जाए बेटा, एक कोण, कोई एक कोण ए बी सी डी में से किसी एक कोण को समकोण सिद्ध कर दो तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी और डी बी सी में, ठीक है बेटा। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी में क्या लेंगे बेटा, त्रिभुज ए बी सी और डी सी, ए बी सी और डी सी बी लिखो बेटा, डी सी बी में, ठीक है डी सी बी में। तो ए बी सी देखना बेटा, ए बी सी और डी सी बी में जब देखोगे बेटा तो भुजा तो सबके सब आपस में बराबर आ ही गए हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। ए सी जो होगा बेटा ए सी और बी डी के बराबर होगा, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी जो होगा बीडी के बराबर दिया ही है, ए सी जो होगा बेटा ए सी बराबर होगा बीडी के या डीबी के, कुछ भी लिख सकते हो, तो दिया है, ठीक है बेटा। अब बाबू त्रिभुज ए बी सी, यह जो कोण होगा बी, यह बेटा बराबर होगा कोण सी के, क्या होगा, कोण बी बराबर कोण किसके होगा बेटा, या कोण बी बराबर कोण सी ना करके ए बी बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, ए बी, देखना यहां से ए बी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी के, ए बी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बेटा। ए बी बराबर होगा डी सी के, ठीक है, क्यों, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं बेटा, और दोनों में बी सी आ रहा है तो बी सी बराबर क्या होगा बेटा, बी सी के, बी सी बराबर बी सी। तो देखोगे बेटा साइड 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 से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी सी बी के, साइड 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 से कर लोगे बेटा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहां से देखना, कोण जो ए बी सी होगा, कोण ए बी सी बराबर होगा बेटा कोण डी सी बी के, कैसे, सी पी सी डी से बेटा। ए बी सी मतलब बी वाला कोण और डी सी बी मतलब सी वाला कोण, ठीक है बाबू। और यह क्या चारों भुजा बराबर हो रही है बेटा, इसके संलग्न कोण क्या हो गए, समपूरक होंगे, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होंगे बेटा, 180 डिग्री, क्यों लिख देना, संलग्न कोण, ठीक है बेटा। अब बी सी के बराबर है, हम लिख सकते हैं बेटा कोण सी की जगह बी, कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180 बेटा, चाहे बी लिखना चाहे लिखना ए बी सी और डी सी बी, कुछ भी लिखना। तो क्या होगा, दो कोण बी बराबर 180, तो कोण बी बराबर 180 बटे दो, 90 दूनी 180, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये हो गया इसका। अब बाबू एक कोण समकोण हो गया, प्रत्येक भुजा बराबर होंगे, अतः यह क्या होगा बेटा, वर्ग है, अतः यह एक क्या है बेटा, वर्ग है, बात खत्म। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। तो चलो पहले इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उसको भी
लगाते हैं। इसको मिटाएं, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। सांसों की जरूरत है जैसे, ओ सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, वैसे ही क्वेश्चन आना चाहिए मैथ में टॉप करने के लिए। आ जाओ बेटा दसवां क्वेश्चन, क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकट एसी और ए को समद्विभाजित करता है। बेटा फिगर दिया एबीसीडी, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बनाया, कुछ ऐसे कुछ बनाया, ठीक है बाबू, और इसका नाम दिया है ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। यहाँ विकर्ण लेके गया बेटा और कहा एसी विकर्ण कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? तो कोण ए को समद्विभाजित करता है, देखिए, ठीक है, दर्शाइए कि पहला बेटा कोण सी को, यह कोण सी को समद्विभाजित करता है, यह भी सिद्ध करना बेटा। और क्या करना है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है बाबू, दिया क्या है, और तो कुछ दिया नहीं है, दिया क्या है बेटा, दिया है एसी, क्या कर रहा बेटा, एसी कोण कोण ए को समद्विभाजित समद्विभाजित करता है, ठीक है बेटा। समद्विभाजित करेगा तो क्या होगा, बी ए सी बराबर होगा डी ए सी के, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, बी ए सी बराबर कोण डी ए सी के। सिद्ध क्या करना बाबू, सिद्ध करना है, क्या करना बेटा, कि कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। पहला बेटा क्या बोला है, ए सी कोण सी को समद्विभाजित समद्विभाजित करता है, ठीक है बेटा। दूसरा चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है बेटा, समचतुर्भुज है। अब बाबू आ जाओ देखते हैं क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाएगा बेटा, इसके लिए त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी ले लेते हैं बेटा, ए बी सी व ए डी सी ले लेंगे, ठीक है, तो यहां से बेटा हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी अगर ले लेंगे तो क्या होगा, ये कोण एंगल एंगल साइड से हो जाएगा, चलो ठीक है बेटा देखते हैं। त्रिभुज लेना बेटा, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, ए बी सी और ए डी सी में, ए बी सी और ए डी सी में बेटा यह कोण ए मतलब बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है बेटा कोण डी ए सी के, क्यों बेटा, यह दिया है, ठीक है। और बाबू कोण बी जो होगा वह बराबर होगा कोण डी के, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो जाएगा बेटा। अब यहां से उसके बाद क्या होगा, इसके बाद एसी जो होगा बेटा, एसी बराबर होगा एसी के, ठीक है, क्यों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो बेटा एंगल यह भी एंगल यह साइड, तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी के, कैसे बेटा, एंगल एंगल साइड से। तो यहां से देखेंगे बेटा क्या होगा, ए सी बी ए सी डी के बराबर होगा बेटा कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए सी डी के, ठीक है बेटा, सी पी सी टी से, अतः लिखना, अतः ए सी कोण सी को समद्विभाजित समद्विभाजित करता है, ठीक है बेटा, इतना कर लोगे आप लोग, आ जाओ आगे। अब क्या सिद्ध करना है, यह एक समचतुर्भुज है, यह भी सिद्ध करना बेटा कि क्या है, यह एक समचतुर्भुज है। तो यहां से अगर देखें बेटा ए बी जो होगा वह किसके बराबर होगा, ए डी के होगा बेटा, और
ठीक है बेटा, यहां से देखोगे ए बी जो होगा बराबर होगा ए डी के, सी पी सी टी से, ठीक है बेटा, सर्वांगसम त्रिभुज के क्या होगा भुजा से हो जाएगा बाबू, और ए बी ए डी के बराबर हो गया बेटा, इसको मान लिया समीकरण नंबर एक, और ए बी जो होगा बेटा ये सी डी के बराबर होगा, ठीक है, ए बी बराबर सी डी, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख क्या होगा बेटा भुजा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा हो गया बेटा, ए बी बराबर ए डी हो गया, ए बी बराबर सी डी हो गया, ठीक है बाबू। अब यहां से बी सी जो देखोगे बेटा, बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के, क्यों, यह भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, इसको मान लेना बेटा समीकरण एक, इसको दो, इसको मान लेना तीन, ठीक है, बस इतना कर दोगे बाबू हो जाएगा हमारा काम। तो लिखना समीकरण एक दो व तीन से क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो जाएगा बेटा, तो चारों भुजा बराबर हैं, अतः यह क्या होगा बेटा, चारों भुजा बराबर है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है बेटा, बस इतना करना था, इतना आप लोग कर लेना।